तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर। मेरठ रोड पर पड़ने वाले ग्रीन बेल्ट इलाके में एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसका शव यहीं पर बरामद होता है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया जा रहा है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, तमाम तरह के जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, सीआईए की टीमें मौके पर हैं और हर तरह के जो सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस व्यक्ति की हत्या किसने की है और यह व्यक्ति कौन है इसके बारे में पता लगाया जा सके। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेरठ रोड से आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस में फोरेंसिक टीमें, सीआईए टीमें, थाना टीमें मौके पर पहुंची और मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों से, शराब के ठेकों से पता किया जा रहा है कि कौन यह व्यक्ति था जिसने रात को शराब की बोतल ली, क्या यहीं से शराब की बोतल ली गई, क्या कहीं और से ली गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीआईए की टीमों को भी मौके पर बुला लिया जाता है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की बड़ी गहनता से, गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है क्योंकि एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति की तो हालांकि पहचान कर ली गई है, बताया गया है कि ये व्यक्ति यूपी जाने वाली जो बस है उसमें बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह बेचने का काम करता था। एक व्यक्ति ने इसकी पहचान कर ली है, उसने बताया कि यूपी की तरफ जाने वाली जो बस है, बडोली वाली बस है, उसमें यह व्यक्ति पर्स वगैरह, बेल्टे वगैरह बेचने का काम किया करता था, सेल्समैनी का काम किया करता था। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, मामले की बड़ी गहनता से, गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। कौन यह व्यक्ति है, इसके नाम की तलाश की जाएगी, उसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाएगा। सीआईए के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक व्यक्ति की लाश मिली है खून से सनी हुई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सुबह ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो एक कूड़ा वगैरह चुनने वाली लेडीज थे, इन्होंने इनको रेडी वालों को बताया कि एक आदमी की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और सूचना के बाद हम मौके पे आए हैं। तो ये इसके हालात देख के लग रहा है कि इसका मर्डर किया गया है, ब्रूटली बिल्कुल। और इधर ये झोपड़ी के नीचे जो चेयर्स लगी हैं, इन पे दारू के गिलास पड़े हैं, दारू की बोतल भी है और खाने पीने का सामान भी है। तो और इसकी जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। तो इनको देख के लगता है कि ये कई बंदों ने पहले शराब पी है और शराब पीने के दौरान इनकी फिर आपस में झड़प हुई है, क्योंकि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो पहचान नहीं हुई सर अभी? अभी इसकी पहचान नहीं हुई किसी को, हम डेड बॉडी दिखा रहे हैं आसपास वाले लोगों को, तो पहले इसकी पहचान कराई जाएगी। बताया जा रहा है पत्थर या कोई तेज धार मारा हुआ है? नहीं, पत्थर से हमने आसपास के जो पत्थर चेक किए हैं, अभी एक पत्थर है जो पत्थर लगने से इसके सिर में जो चोट आई है, जिससे मर्डर। अभी कैमरे वगैरह चेक करेंगे और जो यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह पड़े हैं इनसे कोशिश करते हैं कि दुकानदारों से पूछ के किस दुकान से गए हैं। इलाके में शाम को इसी तरह के नशा करने वाले लोग ज्यादा बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, लोग ये बता रहे हैं कि ये जो हट बनी हुई है इन हट के नीचे बैठ के लोग दारू पीते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल ने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति की जो लाश मिलती है उसके बाद तमाम तरह के जो सबूत है फोरेंसिक टीमें यहां से जुटाती हुई नजर आ रही है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी ग्लासेस, नमकीन और शराब के जो पाउचेस यहाँ पर बरामद होते हैं उनको यहाँ पर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को तो हालांकि भिजवा दिया गया, और इन तमाम सामान को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स किस तरह से पूरी गहनता से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं और फोरेंसिक टीमें इन तमाम सामान को अपने कब्जे में मिलेगी। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीआईए की टीमों को भी मौके पर बुला लिया जाता है, सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की बड़ी गहनता से, गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है क्योंकि एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति की तो हालांकि पहचान कर ली गई है, बताया गया है कि ये व्यक्ति यूपी जाने वाली जो बस है उसमें बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह बेचने का काम करता था। एक व्यक्ति ने इसकी पहचान कर ली है, उसने बताया कि यूपी की तरफ जाने वाली जो बस है, बडोली वाली बस है, उसमें यह व्यक्ति पर्स वगैरह, बेल्टे वगैरह बेचने का काम किया करता था, सेल्समैनी का काम किया करता था। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती है,
मामले की बड़ी गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। कौन यह व्यक्ति है, इसके नाम की तलाश की जाएगी, उसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, स्ट्रेचर पहुंच चुका है, शव वाहन के माध्यम से अब इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच जाती है और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बडोली की तरफ जाने वाली बस में यह पर्स वगैरह बेचने का सेल्समैनी का काम किया करता था। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए की टीमें, फोरेंसिक टीमें, थाना टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। इस व्यक्ति की लाश एक पार्क से बरामद होती है, जो ग्रीन बेल्ट वाला इलाका है वहां से बरामद होती है, और इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो खून से सना हुआ पत्थर है उसको भी अपने कब्जे में लेते हुए नजर आ रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सीआईए 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहनलाल भी मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, सीआईए इंचार्ज मौके पर पहुंच चुके हैं। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड से, जहां पर इस व्यक्ति की लाश बरामद होती है। सीआईए टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीर इस समय करनाल के मेरठ रोड स्थित ग्रीन बेल्ट इलाके से आप देख सकते हैं। पुलिस टीमें, फोरेंसिक टीमें, सीआईए टीमें मौके पर पहुंच जाती है और बड़ी बेरहमी से इस व्यक्ति की हत्या की गई है। जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हम आपको शव की तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी जगह पर पहले बैठकर इन्होंने शराब पी है, शराब पीने के बाद यहाँ पर भी खून के निशान देखे जा सकते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इसी ग्रीन बेल्ट इलाके की इसी हट के नीचे इन्होंने बैठकर पहले शराब पी और उसके बाद इस व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं सीआईए की टीमें हों, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हों, पुलिस टीमें हों, सेक्टर 32 थाना की टीमें हों, सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी मामले की गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है क्योंकि सीआईए की टीमों ने मौके पर पहुंचकर, फोरेंसिक टीमों ने छानबीन कर ली है, उसके बाद शव वाहन मौके पर पहुंच चुका है। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सीआईए टीमें, फोरेंसिक टीमें मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मेरठ रोड पर स्थित जो ग्रीन बेल्ट का पार्क है वहां से आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब शव को भिजवाया जा रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर तमाम तरह के जो सबूत हैं वो जुटा लिए हैं, और पता चला है कि जो ये मृतक व्यक्ति है जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, वो यूपी की तरफ, बडोली की तरफ जाने वाली बस में पर्स वगैरह बेचने का काम किया करता था। आप देख सकते हैं सीआईए टीमें, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती है और मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। तमाम तरह के जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नहीं, वो छल्ले में रहा, वो भी नहीं आ रहा, ये पर्स बेचने वाला तो नहीं, ये पर्स बेचने वाला वो नहीं है, ये अंदर नहीं, वो तो पतला सा है जी, वो तो बिल्कुल पतला सा है, वो तो 2 महीने हो गए वो नहीं आ रहा, और एक और है वो जुंडा गेट का, वो भी नहीं आ रहा जी, 10-12 दिन हो गए वो भी नहीं आ रहा, जो गंजा नमकीन बेचे वो भी नहीं है, वो नहीं लग रहा है। कुछ लोग पहुंचे हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि ये बस में सामान बेचने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन अब देख सकते हैं बॉडी को इस समय स्ट्रेचर पर रखते हुए और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और उससे पहले पुलिस टीमें, सीआईए टीमें, फोरेंसिक टीमें मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। शव वाहन को मौके पर बुला लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने वार करने के बाद इस व्यक्ति की हत्या हुई है, हत्या कितने बजे हुई है, रात को हुई है, सुबह हुई है या कल शाम को हुई है, लेकिन सुबह रोज
लोग यहाँ पर जो सैर करने आते हैं उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में यहाँ पर पड़ा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं सीएजी की टीमों को, पुलिस टीमों को मौके पर बुला लिया जाता है और तमाम तरह के जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं पूरी गहराई से गंभीरता से छानबीन की जा रही है। एक चाबी भी बरामद होती है जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उसकी जेब से एक चाबी बरामद होती है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मेरठ रोड स्थित जो ग्रीन बेल्ट इलाका है वहां से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो देख सकते हैं तमाम तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, सीआईए टीमें मौके पर पहुंच जाती है और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सीआईए टीमें मौके पर पहुंच जाती है, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती है और तमाम तरह के जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, ग्लासेस को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और पुलिस व फोरेंसिक टीमें मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती है और मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेरठ रोड पर स्थित जो ग्रीन बेल्ट वाला पार्क है वहां से आप देख सकते हैं। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाएंगे, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, स्ट्रेचर पर शव को रख दिया गया है, बॉडी को शव वाहन के माध्यम से पोस्टमार्टम में भिजवाया जा रहा है और पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो सबूत हैं वो मौके से इकट्ठा करती हुई नजर आ रही हैं। बोटल्स के कवर इस समय इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं, गिलासेस इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक आता जुमला गेट से वो बेचता छल्ले, वो छल्ले बेचता और दूसरा पर्स बेचता, वो पतला सा है बिल्कुल ही, वो तो सारा दिन ऐसे जैसे एक पर्स बेच दिया ना 50 का बिक गया उसी 50 की दर भी लेनी, वो ऐसे ही है जी, उसका तो कोई सिस्टम है ही नहीं जी, वो तो अपना 2 महीना आया नहीं, जब पहचान होती तो हम फोन कर सकते तो ये नहीं बता सकते हम ये कौन है, पूरी गारंटी है जी बरौली की बस बस करते नहीं और अब ये तो पता नहीं ये शाम को आती जी पलिए की बस इन भैया बैठा जी कहाँ गया ये बैठा जी चाय वाला इसकी दुकान पे सारा कुछ ना इकट्ठा करता है सामान इसी की दुकान पे सारा कुछ करते हैं इसको बुला लिया जिसे भी कोई पहचान नहीं हुई। तमाम तरह के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का सामान लाया जाता है, खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हुए इस समय आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस समय खाने पीने का यहाँ से सामान इकट्ठा करते हुए जिसमें गिलासेस है, नमकीन है, एक देसी शराब माल्टा की बोतल भी देखी जा सकती है, देसी शराब माल्टा की बोतल भी देखी जा सकती है और पुलिस व तमाम फोरेंसिक की टीमें इस समय तमाम तरह के जो सबूत हैं वो इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं पुलिस व फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और पुलिस की टीमें यहां से अब रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरह के सबूतों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस की टीमें यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर तमाम तरह के जो सबूत हैं वो जुटाती हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो भी ग्लासेस यहां से बरामद होते हैं उनको भी ग्लव्स डालकर फोरेंसिक टीमें किस तरह से अपने कब्जे में लेती हुई नजर आ रही हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं और अब इन ग्लासेस को भी अपने कब्जे में लिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर बुला लिए जाते हैं क्योंकि बड़ी बेरहमी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और मौके से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लासेस को अपने साथ लेकर जाया जा रहा है। तमाम तरह की फोरेंसिक टीमें मौके पर बुला ली जाती हैं क्योंकि बड़ी बेरहमी से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और फोरेंसिक टीमों के साथ साथ सीआईए की टीमों को मौके पर बुला लिया जाता है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, करनाल के मेरठ रोड पर आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स जुटाने की
कोशिशें की जा रही हैं ताकि किसी तरह का कोई फिंगरप्रिंट्स अगर इन शराब के सामान के ऊपर से अगर मिलता है तो उस फिंगरप्रिंट्स को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे थे, सीआई की टीमें मौके पर पहुंची थी और अब वे यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक टीमें मौके पर हैं, जहां पर शराब पी उन ग्लासेस में से चिप्स में से कुछ फिंगर प्रिंट्स ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। नाल के मेरठ रोड पर स्थित ग्रीन बेल्ट इलाके में समय मौजूद है, जहां पर एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है, खून से सनी हुई लाश बरामद होती है। उसके सर पर कई तेजधार हथियारों से या ईंट पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई है और इस समय आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीमें मौके पर तमाम तरह के जो सबूत है उसको जुटाती हुई नजर आ रही है, फिंगरप्रिंट जुटाती हुई नजर आ रही है। उस समय सीआईए के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक व्यक्ति की लाश मिली है खून से सनी हुई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सुबह ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो एक कूड़ा वगैरह चुनने वाली लेडीज़ थे इन्होंने इनको रेडी वालों को बताया कि एक आदमी की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है और सूचना के बाद हम मौके पर आए हैं। तो ये इसके हालात देख के लग रहा है कि इसका मर्डर किया गया है ब्रूटली बिल्कुल। और इधर ये झोपड़ी के नीचे जो चेयर्स लगी हैं इन पे दारू के गिलास पड़े हैं, दारू की बोतल भी है और खाने पीने का सामान भी है। तो और इसकी जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। तो इनको देख के लगता है कि ये कई बंदों ने पहले शराब पी है और शराब पीने के दौरान इनकी फिर आपस में झड़प हुई है, क्योंकि इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो पहचान नहीं हुई सर अभी? अभी इसकी पहचान नहीं हुई किसी को, हम डेड बॉडी दिखा रहे हैं आसपास वाले लोगों को, तो पहले इसकी पहचान कराई जाएगी। बताया जा रहा है पत्थर या कोई तेजधार हथियार मारा हुआ है? नहीं, पत्थर से हमने आसपास के जो पत्थर चेक किए हैं, अभी एक पत्थर है जो पत्थर लगने से इसके सिर में जो चोट आई है जिससे समझ। अभी कैमरे वगैरह चेक करेंगे और जो यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह पड़े हैं इनसे कोशिश करते हैं कि दुकानदारों से पूछ के किस दुकान से गए हैं। इलाके में शाम को इसी तरह के नशा करने वाले लोग ज्यादा बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, लोग ये बता रहे हैं कि ये जो हट बनी हुई है इन हट के नीचे बैठ के लोग दारू पीते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल ने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति की जो लाश मिलती है उसके बाद तमाम तरह के जो सबूत है फोरेंसिक टीम यहां से जुटाती हुई नजर आ रही है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो भी ग्लासेस नमकीन और शराब के जो पाउचेस यहां पर बरामद होते हैं उनको यहां पर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को तो हालांकि भिजवा दिया गया और इन तमाम सामान को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स किस तरह से पूरी गहनता से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं और फोरेंसिक टीमें इन तमाम सामान को अपने कब्जे में मिलेगी। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड के नजदीक जो है ग्रीन बेल्ट का इलाका है, वहां पर जो है एक व्यक्ति के जो है शव मिलता है, हालांकि ईंट से जो है मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद फोरेंसिक टीमें जो है यहां पर रखे सामान को जो है किस तरीके से फिंगरप्रिंट जो है निकालती हुई नजर आ रही है, फिंगरप्रिंट लेती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है यहाँ पर गिलासेस जो है देखे जा सकते हैं, हालांकि शराब यहाँ पर पी गई होगी और उसके बाद खाने पीने का सामान जो है अन्य वो यहाँ पर जरूर देखा जाता है। हालांकि अंदाजा जो है यही लगाया जा रहा है कि शायद जो है उन्होंने पहले शराब पी होगी और उसके बाद किसी बात को लेकर जो हो सकता है कि इनकी झड़प हुई हो, किसी बात को लेकर जो है इनका बीच में जो है कहा सुनी हुई है, जिसके बाद इस व्यक्ति की जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई हो। हालांकि व्यक्ति के शव के कुछ ही दूरी पर नजदीक जो है एक पत्थर जो है वो भी जरूर देखा जाता है, जिसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और उसके बाद उस पत्थर को या अन्य और भी जो सामान था आसपास उसको जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया गया और यहाँ पर जो है फिलहाल गिलास पड़े थे खाने पीने का अन्य सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ था और उसके जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है फसल की टीम जो है वो लेती हुई नजर आ रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहाँ से जो है ये सामान लिया गया है, कौन कौन व्यक्ति जो इसके साथ हो सकता है, उनसे भी जो है गहनता से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति जिसका जो है शव यहाँ पर मिलता है उसके बारे में जो है अभी तक कोई भी पहचान जो है नहीं हो पाई है। हालांकि पहले जो है जानकारी ये मिली थी शायद जो है बस में वो जो है सामान पर्स या बेल्ट बेचा करता था, लेकिन अब जो है आसपास के तमाम लोगों ने बताया जिनकी बाहर रेडियां हैं दुकानें हैं छोटी छोटी, उनका कहना है कि इस व्यक्ति को जो है आज से पहले जो है कभी यहाँ पर नहीं देखा गया, हो सकता है कि ये कहीं और से आए हो, बाहर से आकर जो है इसने यहाँ पर जो है बैठ कर शराब पी हो, क्योंकि आसपास के तमाम लोगों का ये कहना है कि ये जो एरिया है जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है यहाँ पर जो है अक्सर शाम के समय जो है कुछ लोग आते हैं वो यहाँ पर जो है बैठ कर शराब पीते हैं, इस एरिया को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर शराब पीने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कल जो है यहाँ पर व्यक्ति कौन है जिसका जो है आज सुबह शव यहाँ पर देखा जा सकता है वो कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में जो अभी तक फिलहाल कोई भी जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ऐसा अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो है व्यक्ति ने 4 से 5 लोग आए होंगे यहाँ पर जो है रात के समय जो है शराब पी होगी और उसके बाद ही हो सकता है कि शायद किसी बात को लेकर कहाँ सुनी हुई हो। लेकिन पुलिस की तमाम टीमें जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है और आसपास जो भी सामान था जो सबूत थे उनको जो है अपने कब्जे में लेकर जो है फिलहाल जाँच के लिए भेज जरूर दिया गया, ताकि पता लगाया जा सके कि व्यक्ति जो है
कौन था, कहां से आया और फिलहाल कैसे जो है इसकी हत्या की गई है। हालांकि बताया जा रहा है एक चाबी भी जो है इसके पास से शायद मिले जरूर है, उसको भी जो है पुलिस ने कब्जे में लेकर जो है आगे की जांच जो है शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ताकि उसको जो है पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस व्यक्ति की जो है मौत कैसे हुई है, वो बहरहाल जांच का विषय जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है किस तरीके से जो है पुलिस को जो है गहनता से जाँच जरूर शुरू कर दी गई, क्योंकि एक व्यक्ति का शव इस ग्रीन बेल्ट के एरिया में जो है मिलता है रात के समय, और सुबह जो है यहाँ पर आसपास जो सफाई कर्मी है, जो सफाई करने के लिए महिलाएँ आती हैं, वो जो है आसपास देखती हैं कि एक व्यक्ति का जो है शव पड़ा है। उसके बाद बाहर जो रेडियो लगती है उनको जो है जानकारी दे देती है कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उसके बाद जो है पुलिस की टीमों को जो है सूचना दे दी जाती है, पुलिस की तमाम टीमें जो है मौके पर पहुंचकर जो है आगे की जांच शुरू जरूर कर दी गई, और उसके बाद से जो है उसके शरीर को जो है अच्छे से चेक किया गया, शायद कोई निशान या कोई नाम जो उसके शरीर पर मिल सके ताकि उस व्यक्ति की जो है पहचान की जा सके। लेकिन अब तक जो उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है नहीं मिल पाई, और उसके बाद FSL की टीम जो आसपास जो सामान थे, गिलास थे या खाने पीने का सामान था, उसके ऊपर से जो है फिंगरप्रिंट लेती हुई नजर जुड़ रही है ताकि उसके आधार पर जो है पता लगाया जा सके कि कितने लोग जो है यहाँ पर इसके साथ मौजूद जरूर थे, कितने लोगों ने बैठकर जो है शराब पी है, इसके बारे में जो है जानकारी मिल सके। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर पड़ने वाले ग्रीन बेल्ट इलाके में एक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसका शव यहीं पर बरामद होता है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया जा रहा है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, CIA की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, तमाम तरह के जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुला लिया गया है, CIA की टीमें मौके पर हैं और हर तरह के जो सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस व्यक्ति की हत्या किसने की है और यह व्यक्ति कौन है इसके बारे में पता लगाया जा सके। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के मेरठ रोड से आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने, फोरेंसिक टीमें, CIA टीमें, थाना टीमें मौके पर पहुंची और मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी गई है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, आसपास के लोगों से, शराब के ठेकों से पता किया जा रहा है कि कौन यह व्यक्ति था जिसने रात को शराब की बोतल ली, क्या यहीं से शराब की बोतल ली गई, क्या कहीं और से ली गई। CCTV कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।